खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना बुरा क्वालिटी का है भाई। देखिए कैसे कैसे गड्ढे होके रखे हैं यार, इधर उधर देखिए, आप इधर भी देख लीजिए, ये देखिए यार कैसे सड़क कैसे। अगर कोई यूट्यूबर भाई आते हैं इधर या फिर कोई राइडर भाई आते हैं भाई, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा आराम से जाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी आप लोगों की दुआ से खैरियत से हूँ। तो इससे पहले वीडियो में जो मैंने बोला था मॉडिफिकेशन करने के लिए जाना है जगह पे, जहाँ पे हम लोग गए थे मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ सामान तो नहीं मिला। मैंने जो है वीडियो में कवर किया है, मेरा जो क्रैश गार्ड लगाने वाला था वो तो भाई सही से मिला नहीं, इसका फिटिंग वाला ग्रैब ग्रिल लगाया था और फॉग लाइट, उसका वीडियो जो है मेरे उसी वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ सामान जो है मुझे वहाँ पे नहीं मिला, दूसरी जगह से मुझे ऑनलाइन से ही लेना पड़ा, अमेजोन पे मुझे मिल गया और वो सामान मुझे कहीं बाहर आउट ऑफ मार्केट सेट करना पड़ा। तो उसका वीडियो जो है मैं आज मेरे चैनल पे देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और बाइक भाई नया लिया हूँ, वीडियो भी इसके ऊपर होना चाहिए रेगुलरली, लेकिन कुछ दिन से ज़्यादा धूप होने के कारण हम लोग वीडियो नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा था। आज थोड़ा मौसम ख़राब है, बारिश हो सकता है, इसकी वजह से जो है मैंने घर से निकल गया हूँ कि चलो भाई गर्मी तो नहीं होगा। भाई दो दिन पहले इतना गर्मी हो रहा था, इतना गर्मी हो रहा था यार कि घर से निकलने में हो रहा था। बाइक की तो छोड़ो यार, बाइक चलाने की बात तो छोड़ो, आप घर से निकलने के लिए नहीं हो रहा था, ठंडी का जैसा मौसम हो गया है, बारिश में जैसे होता है ना, तो भाई काफ़ी आराम लग रहा है यार आज वीडियो बनाने में। लेकिन मौसम ऐसा, वेदर ख़राब होने के कारण शायद कैमरे में उतना क्लियरिटी ना आए, क्योंकि गोप्रो में मैंने देखा हूँ मौसम ख़राब का वीडियो उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि धूप होने के, मतलब धूप का वीडियो अच्छा लगता है। आप देख रहे हो इस बाइक वाले को, इसके नंबर प्लेट भी नहीं है यार पीछे, छोटे से बच्चे को कैसे बिठा के रखे और कितने स्पीड में जा रहा है बताओ। छोटे बच्चे को बिठा के और ड्रैग रेसिंग कर रहा है यार, क्या यार तुमको रेसिंग नहीं करना चाहिए। तो फाइनली गाइस मुझे हाईवे मिल गया है, अब यहाँ से थोड़ा अच्छे से जा सकते हैं क्लियरली बिना गियर चेंज किए हुए, और आप आराम से बात कर सकते हैं। और मेरे बाइक का जो है वीवे टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑन होगा, ये देखिए वीवे ऑन हो गया 7000 RPM के बाद। तो भाई वीवे ऑन होने के बाद बाइक चलाने में काफ़ी स्मूथ लगता है यार, काफ़ी पावरफुल हो जाता है R15 खाली है ना पूरा। चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय। और उधर जाके आप लोग से क्लियरली आराम से बात करते हैं, गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है क्या नहीं किया है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और क्या मॉडिफिकेशन होने वाला है आगे वो भी उस बारे में बात करते हैं भाई। और हमारे यहाँ पे इसका कुछ सामान बराबर मिलते नहीं है, शोरूम पे भी नहीं मिलते यार, इतना परेशानी हो जाता है कभी कभी। आप समझो ये क्रैश गार्ड लगाने के लिए यार मुझे 1 महीना वेट करना पड़ा, ये जो क्रैश गार्ड मैंने लगाया ना भाई, अब देखो ये जो क्रैश गार्ड मैंने लगाया भाई 1 महीना वेट करना पड़ा मेरे को। तो ये ग्रैब ग्रिल अमेजोन में ऑर्डर दिया था भाई, वो ऑर्डर आने के बाद यहाँ पे फिटिंग नहीं हो रहा था, वो एक भाई अलग परेशानी, फिर इसको कहीं पे मिल गया मेरे को इधर से। स्पेयर पार्ट्स अगर खराब हो जाए तो भाई बराबर मिलते नहीं है, ये एक बड़ा मतलब माइनस पॉइंट है हमारे यहाँ पे। तो हम जहाँ पे रहते हैं अभी उस जगह पे भाई ऐसा ही है, अरे यहाँ पे ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा हो गया यार हमारे यहाँ पे, मतलब शायद आप लोग मुझे यहाँ से देख पा रहे इतना बुरा क्वालिटी का है भाई। अमेजोन में लिया था यार ये प्रोडक्ट, तो वीडियो में देख पाए होंगे कि मैंने जो है कितना स्मूथली आराम से गिराया, मतलब अचानक तो फेंक नहीं दिया मैं बाइक को। ये तो भाई अच्छा हो गया मैं जो आज ट्राई करके देख लिया, क्योंकि लॉन्ग टूर पे जब जाएंगे और ऐसा अगर धोखा दिया भाई तो हमारा तो गाड़ी पूरा खलास, पूरा ये यहाँ से जो है बैंड हो गया। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है, देखिए आप इसका कलर व्लर भी है पूरा निकल गया, ये देखो यार हालत देखो इसका। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने देख पाया यार, बाइक को मैंने पूरा गिरा के, मतलब जस्ट देख रहा था कि अगर कभी मेरे से क्रैश हुआ या फिर कोई गाड़ी अगर गिर गया तो किस तरीके से मुझे सेफ्टी मिलेगा, तो उसी को ट्राई करते हुए आज मैं बाइक को गिराया। तो देखा आप लोग यहाँ जो है पूरा बैंड हो गया, वो तो आपको पूरा वीडियो में देख ही पाए होंगे, और नट भी यहाँ पर पूरा ढील हो गया यार, गिर जाएगा क्या इसको। अभी घर पर जाके पहले इसको निकाल के
नट बोल्ट को फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इंजन का नट गिर गया तो प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन में लेके हम लोग लगाते हैं और कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हैं और बाइक अगर गिर जाए तो भाई कैसा हो जाएगा आप बताओ। तो क्रैश गार्ड बना रहा है जो पापड़ के जैसा बैंड हो गया पूरा, मैं इस चीज़ से बहुत ही नाखुश हूँ यार। और रोड का हालत देखो यार, काफ़ी ख़राब हो रखा है यार। अगर रात को कोई इधर से दार्जिलिंग को जाता है बाइक, फॉग लाइट लगा के चले और थोड़ा आराम से चले, क्योंकि ये रोड जो है अभी एकदम फराक्का तक ख़राब है पूरा। फराक्का के बाद उधर जो मालदा पड़ता है ना, उधर का रोड थोड़ा हाईवे है तो उधर रोड थोड़ा अच्छा है। तो अगर कोई यूट्यूबर भाई आते हैं इधर या फिर कोई राइडर भाई आते हैं और वो अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा आराम से जाइए इस रोड से और फॉग लाइट लगा के आप लोग ज़रूर से चलिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि रोड काफ़ी हद तक ख़राब है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे गड्ढे होकर रखे हैं यार इधर, ये देखिए उधर देखिए आप, इधर भी देख लीजिए, ये देखिए यार कैसे सड़क कैसे रखा है अभी, मतलब बारिश हुआ है ना तो रोड शायद दब गया होगा। तो गर्मियों के टाइम पे ना अंदर पूरा पसीना हो जाता है तो सांस जैसे रुकने लगता है यार, जैसे कि हम लोग 0 डिग्री में आ गए हैं। और हमारे इधर का गर्मियों में ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है यार, 45, 47, 48 तक गया है अभी, अभी 2 दिन पहले ही 48 गया था। तो मैं तो उस दिन वीडियो शूट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आप लोग को दिखा पाता। R15 बाइक का यार हैंडल छोड़ के जब ऐसे सीधा चलो ना यार, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ऊंचे जगह में बैठे हैं, लेकिन ऐसे झुक के बाइक चलाते थे ना तो लगता है हाँ भाई हाँ बैलेंस ठीक है, लेकिन हैंडल छोड़ के अगर सीधा हो जाऊँ तो बस पता चलता है यार कि कितना ऊंचा है बाइक। और पीछे साइड में जो पिलियन बैठने के लिए जगह दिया है वो तो बहुत ही ऊंचा है यार, हमारे गाँव में देखते हैं और बोलते हैं क्या यार क्या मतलब कौन से गाड़ी लिया है तू, इतना ऊंचा बैठेगा कैसे, मतलब हमारे यहाँ पे पिलियन अगर नहीं बैठ पाएगा तो वो बाइक जो है बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। अब हमको थोड़े यार उससे कोई मतलब है यार, हमको तो मोटो व्लॉगिंग का वीडियो शूट करना है, मोटो व्लॉगिंग के लिए हम लोग बाइक लिए हैं ना, तो पिलियन के साथ में हमारा कोई मतलब नहीं है। I like you, I can't wait, a first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. ये है भाई सबका दुकान, सीट कवर बनाना होबे? हालत देखो यार, पूरा नंगा करके रख दिया गाड़ी को। ये है भाई साहब का दुकान, कोई शॉप का नेम वेम नहीं है, ऐसे लोकल दुकान है। तो भाई साहब सीट लगने के बाद फाइनली कुछ ऐसा लगता है, वाह कितना स्मूथ है यार, कितना आरामदायक सीट बन गया अभी। और यहाँ पे बेल्ट भी नहीं था तो बेल्ट भी मैंने जो है बना लिया। चलो भाई चढ़ के घुमाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा काम करके दिए हैं उस अंकल ने, और इसके साथ में 5 ईयर्स का गारंटी भी दिया है। तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।